ये मस्कीन बिल्ली की तरह मुंह क्यों लटकाए बैठी हो? लगता है ट्यूशन वालों ने फेल करके निकाल दिया, इसलिए उदास हो। अपने तकदीर पर रो रहे हो। लगता है जैसे इन पत्थरों को रगड़ने में ही खर्च हो रहा है। बड़े बड़े बोल बोलती हो तुम। याद रखना लड़की, एक दिन तुम्हारे बड़े बोल तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम इसी आसरत के साथ इस दुनिया से चले जाओगे। खुदाया, सात बकरे, सात बकरे की मन्नत मानी है रहमान बाबा की दरगाह पे ताकि तुम फेल हो जाओ। वहां उनकी कुर्बानी दूंगा इंशाल्लाह, मुराद भी पूरी होगी और हसरत भी। तो मैं काम क्यों नहीं करता? उन सात बकरों की जगह अगर तुम एक दरगज़ाई को ज़बह कर दो तो सारे गांव की मुराद पूरी हो जाएगी। दरगज़ाई को ज़बह करने वालों की फायदा नहीं हुआ। इसकी जुबान काबू करो। हादी क्या कह रहा था आज? कि एक ही दरख्त पे लगे फल हमेशा मुख्तलिफ होते हैं। तो शरीयत, मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। लेकिन सिर्फ पले क्यों? एक ही दरख्त की शाखें, पत्तों के रंग सभी मुख्तलिफ होते हैं। एक ही दरख्त से निकलते हैं, एक ही माहौल में पलते हैं, बट दे स्टिल डिफरेंट। उनकी किस्मतें भी अलग अलग होती हैं। एक पेट का निवाला बनता है और दूसरा गल सड़ के जमीन का। शहरयार, क्या मेरा हसन कभी हादी जैसा नहीं होगा? हमेशा मुख्तलिफ रहेगा। बैठ। देखो, हसन हादी जैसा ही है, बस थोड़ा बहुत कैलिबर का फर्क है। और जब हादी कह रहा है कि हसन की तैयारी हो गई है तो हो गई होगी। इस मामले में उसकी ऑब्जर्वेशन हम सबसे बेहतर है। मगर मैं अपने बच्चों को लेकर बहुत पसेस हूँ। शहरयार, हम वैसे भी बहुत ज्यादती कर चुके हैं हसन के साथ अपने करियर को आगे बढ़ाने। मैं और गलतियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतनी टेंशन मत लो, यू नीड टू रिलैक्स। जाओ, जाके आराम से सो जाओ। हम डॉक्टर्स हैं, हमें सुबह सुबह फ्रेश उठना चाहिए। हमारे कलम के नीचे रोज जिंदगी और मौत पड़ती है, इसे फ्रेश होना चाहिए। जाओ, जाके आराम करो। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ठीक है, मगर मेरी रीडिंग थोड़ी सी बाकी है अभी। ओके, हाँ, मेमोरी सब ठीक हो जाएगा। हाय हादी। क्या बात है, बुक के बगैर ही आ गई तुम? बुक्स और लेक्चर्स के अलावा नहीं बैठ के बात कर सकते हम? नहीं, कर सकते हैं, आओ बैठो। इसे
ए साइड वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया तुम्हारा? क्या हो गया है तुम्हें हादी? मैं इतनी बोरिंग बातें करने नहीं आई हूँ तुमसे। और ठीक है हम डॉक्टर्स बन रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाल नोच के जिंदगी खत्म कर दें। जी हाँ, डॉक्टर्स बन रहे हैं और डॉक्टर्स का डायरेक्ट ताल्लुक जिंदगी से होता है। जिंदगी से जिंदगी बनाने और मचाने तक का। Anyway, तुम बताओ तुम क्यों अपने बाल नोच रही हो? कहीं कोई लव शव का सीन तो नहीं चल पड़ा? जब मुझे लव होगा ना तो तुम पहले इंसान होगे जिसको सबसे पहले पता चल जाए। Really? बताओ कौन है वो? अरे बताओ भी। हादी तुम बहुत ही फीलिंग लेस इंसान, तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चलता, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। Come on यार। अच्छा चलो बताओ तो सही क्या कहने आई थी? तुम नहीं समझोगे। तुम कपड़े क्यों धो रही हो? गुलजरी नहीं आई? पता नहीं गुलजरी आई या उसकी माँ बहनें आई कि नहीं आई। मुझे तो बस इतना पता है कि इस घर में मैं बदले में आई बांधी हूँ, काम ही करना है। इतना तलख मत बोला करो, जबान की कड़वाहट मर्द का दिल औरत से दूर कर देती। अच्छा तो ये नहीं पता औरत की जबान में करवाट आती क्यों? तुमसे बात कर नहीं फुर्सत। लाला, 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 रोल नंबर आ गया है, एनटीएस नंबर भी है इसमें। सेंटर शहर के कॉलेज में लगा। दाजी को बताया? नहीं। बताओ आप बताएंगे ना, आपने कहा था। एक बात बताओ मुझे, डॉक्टर बन के क्या करोगे तुम? लाला। क्या लाला? बच्चे औरत तो पैदा ही अपने घर की डॉक्टर होती, घर बसाओ, अपने घर के मर्द का इलाज करो। मर्द का इलाज तो पहले दिन से आता है इसे, बिल्कुल नब्ज पर आत रखती है। खैर अपने दरगजाई की बात करी थी, बहुत बेकल रहता है ना। तुम जाओ। अरे एक बात पूछो, सच सच बताओगी? पूछो बच्चा पूछो। शानजे बाबे इतनी खफा खफा क्यों रहती है? मैंने तो कभी इनको कुछ नहीं कहा, बल्कि कोई भी इनको कुछ नहीं कहता, पर ये हर वक्त खफा खफा रहती है, कुछ भी नहीं होती, हर वक्त ना कुछ, क्यों? ओए बच्चा तुम नहीं समझेगा। आप समझाओ मैं समझूंगी। बच्चा ये जब मर्द लोग का लड़ाई फसाद होता है तो औरत का कीमत लगता है, इसीलिए वो इतना चढ़चढ़ा हो जाता है, उसका इज्जत गिर जाता है ना उसका अपना नजरों में। कौन सी लड़ाई की बात कर रहे हो? भाभी तो हमारी बरादरी की है, पर कौन सी लड़ाई में जोड़ रहे हो भाभी को? औरे, वो परसों मुझको शिकार पे जाना है,
दस बीस लोगों का खाना तैयार करके साथ भेजना है तुमको। अच्छा शानजे का तो तबीयत ठीक नहीं है। शानजे बाबी का तबीयत खराब है तो बाकी लड़कियां मर गई हैं क्या? इनके हाथ पैर टूट गए हैं, क्या खाना नहीं बना सकती? मोरे मेरे अगले हफ्ते से इम्तिहान है, मैं नहीं बना सकती। वो खुदाया तुम्हारा इम्तिहान एक हफ्ते बाद है, मुझको खाना परसों चाहिए। चार बकरे भेजूंगा, खाना तैयार कर देना। ठीक है, फिर उनमें जहर भी मिला दूंगा। ये देखो कैसी बातें करती है। अच्छा क्या ओल फोल मुंह से निकालती है, चार मर्द है इस घर में, इज्जत से बात किया करो। खाक इज्जत करेगी ये। गुर क्या रही हो, ये इज्जत खराब करने के चक्कर में है। अभी तो शहर की हवा नहीं लगी इसको, एक बार शहर जाने दो फिर देखो ये क्या गुल के लाती है। ये सब तुम्हारी और दाजी की वजह से है, ज्यादा डील दे दी है, वरना मैं तो इस पर ना क्या बच्चे तुम्हारा शादी होने वाला है उससे, से इज्जत से प्यार से बात किया करो, वरना वो तुमसे निकाह से इनकार कर देगा। उसकी इतनी जरूरत है वो इनकार करे, उसका अंगूठा काट के निकाह नामे पे लगवाऊंगा और जुबान भी काटूंगा, याद रखना तुम भी।